और हरियाणा न्यूज़ की टीम पहुंची है सिरसा के गांव शाहपुर बेगू में। यहां पर चुनाव को लेकर के लोगों के बीच क्या माहौल है ये जानने की कोशिश की गई, आपको सुनवाते हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का माहौल जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं सिरसा के गांव शाहपुर बेगू में। यहां की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है और जो उम्मीदें उन्होंने सरकार से की थी, अपने विधायक से की थी, क्या वो पूरी हो पाई हैं या फिर नहीं। चलिए जानते हैं यहां की जनता का चुनावी माहौल। क्या लग रहा है इस बारी माहौल कैसा है? माहौल जी कांडन जितावा में तो बेगू गमा सारी मारी गलियां बना दी सारो पानी पूनी बढ़िया में तो पानी कौन नहीं मारते कॉलोनी के माँ। हाँ अब कांडे को वोट देंगे डट के। गोविंद गोपाल भाई करेगा कमाल। हाँ जी वो तो कह रही है कांग्रेस कमाल करेगी। कौन कह रहे हैं? कोई की क्या कोई की क्या कोई की क्या कोई की क्या काम हुआ है? हाँ हाँ हमारे पानी नहीं था उस कॉलोनी में, किसी ने बात नहीं सुनी हमारी। अच्छा और हाँ गोपाल ने सुनी थी, गोपाल कांडा को बुलाया हमने, हाथों हाथ पाइप गिरा दी पानी मारे पीने लाग रहे हैं सारे मोहल्ले में, हमारे पानी है। अच्छा। अब गली बनवाने की कह रहे हैं। अच्छा। हाँ तो हमारे वहाँ बुलवाएंगे, कॉलोनी में टावर कॉलोनी में रहता हूँ मैं। हाँ जी तो वहाँ पे बुलाएंगे। ठीक है तो देखिए अभी कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है, मिले जुले रिएक्शन सामने आए हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है पानी की समस्या थी उसको दूर करा किया गया है, समस्या को सुलझाया गया है। और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका रिएक्शन भी जानते हैं क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता का मूड। अभी आपके गाँव में कैसा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है जी अभी तो। क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? अब की बार गोपाल कांडा का पलड़ा भारी है लगभग। गोपाल कांडा का क्यों? क्योंकि काम बहुत करवाए उसने। काम क्या क्या काम हुआ है? काम ऐसा काम को यही नहीं जो किया नहीं। फिर भी क्या क्या काम हुआ है? काम गौशाला में और जहाँ गलियां पक्की एक सीवर लाइन सब कुछ काम हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं काम नहीं हुए ज्यादा। काम अब किसी का हर एक की तो डिमांड पूरी नहीं होती, अपनी अपनी सोच होती है। कोई कहता है हमारा वो कर दो हमारा वो कर दो, वो तो नहीं होता। तो सरकारी सरकारी अब अपने गलियां हैं, गलियां हमारे गाँव में गलियां बढ़िया हो रही है। विधायक ने कराए हैं काम? हाँ कराए हैं। क्या क्या हुआ है? गलियां बनी है, पानी सप्लाई है, सब कुछ है। पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो अच्छे काम हुए हैं? हाँ अच्छे हैं। क्या क्या हुआ है? बहुत कुछ कर रहे हैं गौशाला में पैसे और बतेरा कुछ है यार सानू पता है। कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। नहीं तो नाराज होते हैं, घर में भी नाराजी होते हैं ऐसे तो। अच्छा 10 जने हैं तो 2 जने नाराज होंगे। क्या है इस बार चुनावी माहौल क्या है आपके गांव का? अपने गांव का जी मौके का तो गोपाल कांडे का है। गोपाल कांडा का? हाँ। ऐसा क्यों? तो ये सके अब तो काम करता है यहाँ। क्या क्या काम हुआ? ये 4-2 लाख तो मुसान भूमि में दे गया, गौशाला में टूल मंजूर कर गया और 20 लाख रुपए गली के मंजूर कर गया। जो पैसे नगद दे के जाते उसको गांव में देगा वोट। तो एक पानी जो नहर का पीने वाला है वो पानी पुगाने कर लिया। तो आप बोल रहे हैं आपके गांव में काम हुए हैं? हाँ काम हो रहे हैं। अच्छा हमें बहुत से लोग मिले हैं यहाँ पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि काम हुए हैं और वो HLP को BJP को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं कह रहे हैं काम नहीं हुए। वो तो कहने की बात होती है, अभी मौके के खड़े टाइम तो नहीं होगा, काम टाइम तो लगेगा काम करने में, कोई महीना 20 दिन तो लगेगा। तो आप दोबारा से आप कह रहे हैं भरोसा जताएंगे? हाँ भरोसा है। विधायक ने गोपाल कांडा में काम तो करवाई करवाते ही है। क्या क्या काम है? ये रोड बनवाए हैं, बहुत काम करवाए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुए काम नहीं हुए। हम करवा के लोग ना माने लग पाते हैं जी, करवाते हैं जी फिर लोग करने के बाद भी ऐसे बोले तो लग पाते हैं, हम करवाते हैं काम, ऐसी बात नहीं। गोपाल कांडा जी गोपाल जी ने काम करवाए, बाकी लोगों को दोगलापन लग बात है, बाकी काम करवाते हैं गोपाल जी। मैं तो कह रही हूँ बढ़िया लग रहा है कांडा हमारे को, मदद भी पूरी करता, गरीबों की भी सुनता है वो, गरीबों की भी सुनता है वो, मदद करता है सबकी वो, अच्छा लगता है कांडा। लग रहा है आ सकते हैं दोबारा? हाँ जी आ सकते हैं, जरूर आएंगे वो, जरूर आएंगे। हाँ जी काम कराए, काम तो बहुत मदद करी है उन्होंने, मंदिरों में मस्जिदों में सब था, पुण्यदान भी बहुत करते हैं वो, सुनते हैं गरीबों की भी सुनते हैं, सुनवाई होती है। हाँ जी हाँ जी सुनते हैं, बहुत मदद करते हैं वो, सबकी सुनाई करते हैं, गरीबों की भी सुनते हैं। हाँ जी और तो कोई नहीं सुनता, वो तो सुनते हैं। हाँ जी सुनते हैं बहुत। विधायक आपके
हम तो कहते हैं जी कांडा ही आए, कांडा ही जीते। अच्छा। क्योंकि ये सुनाई करता है, सबकी सुनता है। हाँ जी, काम हुआ है कुछ गांव में? काम घने ही हो गए माड़े मोटे जो किए हैं, वे गरीबों के लिए ठीक है। क्या लग रहा है इस बार तो कांडा जी की वो हो रही है, फिर से भी आ सकते हैं? कैसे काम कर रहे हैं? क्यों कांडा जी काम करवा रहे हैं जी, सारे कांडे के चांस हैं जी इस बार। क्या क्या काम हुए हैं? काम सारे ही हुए हैं जी लगभग गांव में। तो देखिए, शाहपुर बेगू गांव के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की और उनकी राय विधानसभा चुनाव को लेकर जब जाननी चाहिए तो देखिए मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास कार्य हुए हैं, जो पानी की समस्या थी उसको दूर किया गया है, अन्य कुछ समस्याओं पर भी काम हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है, देखने वाली बात होगी कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो किसको वोट करते हैं, किसको इस बार सत्ता पर बैठाते हैं। कैमरामैन विकास के साथ मैं सृष्टि मेहता, हरियाणा न्यूज़।